महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई हमें कभी क्रोध में आकर या बहस में या हंसी में ही कुछ बोल देता है, तो वो बात तो 10 सेकंड की होती है, लेकिन कभी कभी हम उसके पीछे 10 घंटे या 10 दिन भी हमारा मन दुखी करते हैं, जिससे सामने वाले के प्रति हमारे मन में कड़वाहट तो आती ही है और हमारा मन भी बिना वजह दुखी होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि कोई कुछ नेगेटिव बोले तो उसको एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल सके, और पॉजिटिव बोले तो उसे उसी तरीके से लेकर खुद में सुधार ला सके। सामने वाला बोलता है इसलिए हमें ये प्रतिक्रिया होती है कि हम सुनते हैं इसलिए ऐसा होता है। बोलो हाँ बोलो। हम सुनते हैं इसीलिए। तो बोलने के लिए वो स्वतंत्र है, सुनने के लिए हम स्वतंत्र है ना। बोलो, कोई मुझे गलत ना बोले मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कितना भी गलत बोले मैं ना सुनूं ये तो मेरे हाथ में है। जो मेरे चित्त की सहजता को खंडित कर दे उसे वहीं रोकिए। घर में अगर धुआं आने लगता है तो आप सबसे पहले क्या करती हैं? खिड़की दरवाजे बंद। खिड़की दरवाजे बंद क्यों? धुआं आएगा तो क्या होगा? घुटन होगी ना। सुगंधित हवा आओ तो खोल दो, धुआं आए बंद कर दो। एंट्री क्यों? फिर एक बात बोलता हूं, सड़क चलते कभी किसी पागल से पाला पड़ा पड़ा होगा जी, तो क्या कभी पागल मिलता है, कभी उसने कुछ बोला? बहुत कुछ। स्वागत का गान गाया तो गालियां भी दी होगी। हाँ, तो पागल की गाली सुनी आपने? नहीं। उसके बाद आपके जेहन में उथल पुथल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पागल है। तो ये बात बोलो, जो गलत बात बोलता है वो समझदार कैसे होगा? वो तो पागल है। और पागल की बात से प्रभावित होने वाला भी। समझ वाली बात, कितने समझदार हो आप। आज से तय कर लेना कि हम जिंदगी भर समझदारी से जिएंगे, पागलपन को अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने देंगे। जीवन धन्य हो जाए।